ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी मई 24 एग्जाम की प्रिपरेशन। सर, काफ़ी टाइम से शशांक जी के सारे इंटरव्यू शेड्यूल करने का सोच रहा था, एंड मैं सच बताता हूँ ये इंटरव्यू आपको कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करके देगा आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से परेशान है, सर अटेम्प्ट्स हो रहा है, क्विट करने का मन कर रहा है, छोड़ दे, क्या करे, समझ नहीं आ रहा, वर्थ इट होगा या नहीं होगा आगे CA करना, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा CA शशांक वार्ष्णेय, जिन्होंने मई 23 में अपना एग्जाम क्लियर किया था। शशांक जी, आप कुछ अपने बारे में बताइए अपना हमारे व्यूअर्स को, इट्स ऑल अप टू यू। सर ने जैसा बताया, मैंने अपना 2010 में सर CA स्टार्ट किया था। आई क्वालिफाइड माई क्लास 12 इन 2010। उसके बाद मैंने अपना CA CPT का एग्ज़ाम दिया जून 2010 में, एंड आई गॉट 158 मार्क्स आउट ऑफ 200। फर्स्ट अटेम्प्ट था, विदाउट कोचिंग था। देयर आफ्टर आई अटेम्प्टेड फॉर IPCC, जो कि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुए। मई 2011 में मेरा फर्स्ट ग्रुप निकला और नवंबर 2011 में एज यूजुअल दूसरा ग्रुप मेरा निकल गया। CA इंटर आपका सर, आपका CA इंटर नवंबर 2011 में क्लियर था दोनों ग्रुप? जी, मेरा मई 11 में फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई था और सेकंड ग्रुप नवंबर 11 में। इवन आई स्कोर 84 मार्क्स इन ग्रुप 1 अकाउंट्स एंड 72 इन ग्रुप 2 अकाउंट्स। उसके बाद फिर आपकी फाइनल्स की जर्नी स्टार्ट हुई, सर वो अच्छे से आप क्लियर करिए थोड़ा सा। जी, उसके बाद मैंने अपना इंटर्नशिप किया वन ऑफ द टॉप CA फर्म्स, जसल रंगनाथन एंड एसोसिएट्स। फिर मेरे मई 2014 से फाइनल्स शुरू हुए। सो इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दैट आई appeared for my CA final, I got only 132 marks. So, मैंने AT exam, मतलब AT group लिखा था उस time. Exam form दोनों के भरे थे, but एक ही appear किया था second group, उसमें मैं 132 ही ले पाया। उसके बाद फिर failure का सिलसिला शुरू हुआ, and मैं continuous अपने exams देता रहा till मई 2023, और fortunately मई 2023 में जाके मेरे exams qualify की। अगर मैं इसको एक शॉर्ट नोट में बताना चाहूँ तो आई अटेम्प्टेड 17 टाइम्स फॉर CA फाइनल्स, इसमें मेरे 17 अटेम्प्ट इन टोटेलिटी लगे, एंड मुझे 12 अटेम्प्ट सिर्फ इसका क्वालिफाई करने में लगे। एक वॉट नाइट में है, मतलब वो बहुत चैलेंज था। इसका को क्वालिफाई करना मेरे लिए ऐसा लगता था जब तक इसका रहेगा आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई दिस CA जर्नी। और मैंने कौन से मंदिर पे जाके मन्नतें नहीं मांगी, कौन सा मन्नत का धागा नहीं बांधा इसका वो क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा सर, तो मई 2015 में मेरा कॉस्टिंग का एग्जामिनेशन आया। हेलो जी जी जी, बताइए 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 सर, की आवाज आ रही है आपकी? हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। आई थिंक देयर इज अ लैग सर, वीडियो का लैग है सर आपके पास पर। मई 2014 से अपने एग्जाम्स लिख रहा था, मई 2015 में जाके मुझे एग्जेम्पशन मिला कॉस्टिंग, आई गॉट 72 मार्क्स। सो उसके बाद वो एग्जेम्पशन मेरा अनफॉर्चुनेटली चला गया, अगले 3 अटेम्प्ट में मैं इसका को क्वालिफाई नहीं कर पाया। So that exemption went off in November 16, जब मैं मजाज के साथ एसोसिएट था। सो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो जॉब भी क्विट करना पड़ा। उसके बाद फिर कई सारी CA फर्म्स ज्वाइन की और जॉब छोड़ा, स्विच किया वगैरह वगैरह, और इन सब के साथ सर एग्जाम्स दिए अगेन। फिर मैं मई 19 में जाके मुझे GST में एग्जेम्पशन मिला ड्यू टू वृंदावन गिरी सर। मैंने वृंदावन गिरी सर को वेरी फर्स्ट टाइम रेफर किया और आई स्कोर 68 मार्क्स इन GST। फिर नवंबर 19 में जाके सर मेरा इसका के साथ ग्रुप क्वालिफाई हुआ एंड आई स्कोर ओनली 40 मार्क्स इन इसका। तो उसके बाद फिर सर कौन जी शशांक जी, एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं थोड़ा, आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप बता रहे थे आप जॉब में भी थे, आप स्टडीज में भी थे, तो ये सच में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। काफी स्टूडेंट्स इस पे ना क्वेश्चंस करते हैं, सर हमें एग्जाम के बाद तुरंत जॉब ज्वाइन करना चाहिए या क्या दोनों साथ में हो सकता है पॉसिबल, या क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए, बिकॉज आप चीज को पर्सनली अच्छे से देख पाए हो कि जॉब के साथ साथ आपने CA को क्रैक किया है, तो कैसे इस चीज को डील करना चाहिए? सर, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा
if there is no any financial issues, the person should go for the exams for qualifying first. Okay. क्योंकि job क्या है, job आपको बाद में मिल जाएगी. हमें हमेशा हम क्या लगता है कि हम ना शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सिर्फ डेफर करते जाते हैं. अगर आपको लगता है कि एज बढ़ती जा रही है और दे आर सम फाइनेंशियल क्राइसिस, तो देन यू कैन गो फॉर जॉब. अब मेरे केस में क्या था, जब तक दो तीन अटेम्प्ट तो क्या था, चीज़ों को संभालते निकल गए. उसके बाद जब एज बढ़ने लगी तो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था कि मैं जॉब क्विट करके एग्जाम्स दूँ. बट यस, डेफिनेटली मैं हमेशा 2 महीने या 1.5 महीने की छुट्टी एग्जाम से पहले लेता था. और जब सीए फॉर्म नहीं दे पाते थे तो सर कोई ऑप्शन नहीं बचता था, मुझे जॉब क्विट करनी पड़ती थी. अच्छा, तो ये बड़े चैलेंजेस थे उस टाइम. हर अटेम्प्ट के साथ जॉब चेंज हो जाती थी और फिर एग्जाम्स के बाद नई जॉब को सर्च करना, वो एक हमेशा से चैलेंज रहा था. मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको कंक्लूड करूं तो अगर आपको फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है तो अपने सीए एग्जाम्स को अपना प्रायोरिटी में रख के इसको फिनिश करना सबसे, मतलब प्रायोरिटी पर रखना चाहिए अपने सीए एग्जाम्स को. प्रायोरिटी हमेशा ही एग्जाम्स होनी चाहिए सर. और एग्जाम एक बार क्वालिफाई हो जाएंगे ना, बहुत पैसा मिल जाएगा, लिटरली बहुत पैसा मिल जाएगा. मार्केट में जॉब की कमी नहीं है, डिग्री ऐसी है, लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, पैसा भी देंगे, सब कुछ देंगे. बट हम क्या कहते हैं ना, एग्जाम्स के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते. हम ये लगता है कि नहीं, आज नौकरी पकड़ो, नौकरी के साथ हम एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे. मुश्किल हमेशा रहता है, आसान नहीं होता. जब आप रात को 10 बजे आ रहे हैं और उसके बाद फिर पढ़ने का सोच रहे हैं, नहीं हो पाता सर. बहुत बड़ा चैलेंज. जैसे आप एक क्वेश्चन मुझे लेना था आखिरी में, बट अभी एक मैटर उठा है तो उस पर डिस्कस करते हैं. जैसे आप बोल रहे थे कि हाँ सीए बनने के बाद सब कुछ है, अभी जैसे आपने बताया 17 अटेम्प्ट्स लगे थे आपके, तो 17 अटेम्प्ट का सीए क्या वर्थ इट है? लोग काफी पूछते हैं सर 17 अटेम्प्ट के बाद पता नहीं हमें मार्केट में जॉब है या नहीं है, इस पर बताओ अभी आप कहाँ पे है और क्या 17 अटेम्प्ट के बाद भी वो वर्थ इट है आपके लिए? सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जीत हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी अरसे बाद मिले, ठीक है. और उस जीत के मायने बहुत होते हैं जब आपने बेसब्री से और बेइंतहा उसका इंतजार किया हो. तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कितने ही अटेम्प्ट बाद सीए क्वालिफाई हुए हैं, सीए मींस सीए, सोसाइटी विल ऑलवेज गिव यू द रिस्पेक्ट, पेरेंट्स विल गिव यू द रिस्पेक्ट, मतलब मोर रिस्पेक्ट, मोर लव व्हेन यू बिकम सीए. मतलब वो प्राउडली अपने रिलेटिव्स या सभी को बताते हैं कि जी हमारा बेटा क्वालिफाई हो गया, सीए बन गया, सीएस बन गया. सो कभी ऐसा, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब मैंने सीए कैंपस के लिए मैं बैठा, मुझे किसी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट नहीं करा, बट ऑफ कैंपस आई वाज सिलेक्टेड बाय 5 कंपनीज इंक्लूडिंग इंडोरामा, बीडीओ, एकम गर्ल्स एंड फार्मास्यूटिकल. बट आई जॉइन नेकवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड बेस्ड इन फरीदाबाद. सो ऐसा कैंपस में मुझे लगा कि अटेम्प्ट मैटर करते हैं, बट ऑफ कैंपस कभी चीजें मैटर नहीं करती. हो सकता है देरी से हमें ड्रीम जॉब ना मिले, बट इन द लॉन्ग रन यू विल डू सम बेटर सर. 17 अटेम्प्ट के बाद भी आपको अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, हमारी इस पे बात भी हुई थी, एंड फाइनेंशियल भी ठीक था, सब कुछ अच्छा था. तो ऐसा लोग के पास नहीं सोचना चाहिए कि सीए वर्थ इट है कि नहीं, सीए हमेशा वर्थ इट होता है. जिस चीज़ का सफर चालू किया है उसको फिनिश करना सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो कहते नहीं अंदर एक आग रह जाता है. जैसे शशांक जी ने तो सीएसबी, आपने शायद सीएसबी प्रोफेशनल लेवल पे, आप सीएमए भी कर रखे है, आई थिंक आपने एसीए भी किया है सर. नहीं सर, अभी मेरा सीएस क्वालिफाई है, मैं सीएमए फाइनल्स लिख रहा हूं दिसंबर में. आपने एलडीआर को क्या इंपॉर्टेंस दोगे? जैसे आपने बात किया था, आपने एफआर का एलडीआर एंड ऑडिट का एलडीआर बना रहे थे, और लास्ट जिस अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया था उसमें आपने एलडीआर पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया था, तो आप थोड़ा व्यूअर्स को बताइए जो एलडीआर लेते हैं या जो एलडीआर बनाते हैं उसके बारे में क्या बताएंगे आप? सर एलडीआर ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अनडाउटेडली एग्जाम्स क्वालिफाई करने में. मैं रेगुलर आपके साथ टच में था, मैं और मेरी एक फ्रेंड है लक्षी कालदा, दोनों ने रेफर किया उसको. मुझे आज भी याद है उस एग्जाम का जो दिन, आई थिंक 2nd of May था, जब मेरा एफआर का पेपर था, पर मैं सुबह 4 बजे जग गया था, मैं कुछ चैप्टर्स गो थ्रू कर रहा था, और आपकी ही एलडीआर में ऑपरेटिंग सेगमेंट का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो कि अतुल अग्रवाल जी के में भी था. तो मुझे लगा इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों आएगा, बट फिर एक हुआ कि कभी सीए क्वालिफाई हो जाएंगे,
और फाइनेंशियल कभी ड्राफ्ट करने होंगे हमें एज पर इन डेज, तो ये हमें पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उस क्वेश्चन को सर मैंने हाथ से बनाया, पर आप मानेंगे कि नहीं, जब मैं एग्जाम में पहुंचा वही क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 मार्क्स का था, 60 मार्क्स का, हाँ जी 15 मार्क्स का, यस यस। सो इवन मैंने सर अपनी कॉपी भी निकलवाई, आई गॉट 15 मार्क्स इन दैट ऑपरेटिंग सेगमेंट क्वेश्चन आउट ऑफ 16, और जो मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आई गेस 20 मार्क्स का आया था, एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का था और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, आई स्कोर 20 आउट ऑफ 20 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो वो ही दो तीन क्वेश्चन मेरे ठीक रहे, इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग इन 70s इन एफआर, बट मेरा स्कोर उतना तो नहीं आया, आई गॉट 52 ओनली। तो चीजें कहीं ना कहीं सर एलडीआर ने मेजर रोल प्ले किया। एक इंपॉर्टेंट चीज सर मैं और बताना चाहूंगा, हमारी डिस्कशन ऑडिट के टाइम भी हुई थी, बिल्कुल कॉल पे मुझे याद है, आई थिंक हमने 10 मिनट कॉल कन्वर्सेशन किया था एग्जाम ऑडिट से जस्ट पहले, एंड आपके पास शायद एक्स्ट्रा डेज भी था, जैसे इस अटेम्प्ट में मई में आई थिंक एक दिन एक्स्ट्रा मिला था, आपके पास टोटल 4 डेज था, हमने प्लानर भी रेडी किया था आपका, तो आप बताइए क्या बता रहे थे उसके बारे में। मैं 2nd ऑफ मई को अपना अकाउंट्स का पेपर देके आया था एफआर का, उसके बाद एसएफएम सर मेरा एग्जाम था, और वो एग्जाम भी आखिरी अटेम्प्ट था, मतलब आई वाज लेफ्ट विद दिस अटेम्प्ट ओनली, आई वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई, तो मुझे फिर से एसएफएम पढ़ना पड़ता। सो फिर मैंने जो ऑडिट था, ऑडिट भी बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने आपकी एलडीआर भी रेफर की, और इवन मैंने कोचिंग भी ली थी शुभम केशवानी सर से, तो उनका जो मॉड्यूल था मैंने वो भी रेफर किया, बट जो एग्जाम था सर वो एक आउट ऑफ बॉक्स पेपर था, मेरा वो एग्जाम बिल्कुल अच्छा, मेरा वो एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। मैं घर पे आया, मैं मम्मी के सामने रोने लगा, तो मम्मी कह रही थी अगर नहीं हो रहा सीए तो छोड़ दे, क्यों इतना परेशान रहता है, मुझे मतलब लिटरली ऐसा लगता था कि ना ऑडिट का पेपर जैसा गया था, मुझे लगा था कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने आपसे कनेक्ट किया, आपने कहा सुशांत आपके पास 1.5 दिए हैं, आप लॉ को कंप्लीट कीजिए। सर मैंने लॉ को ना सिर्फ 30 या 40% रेफर किया, 30 या 40% सिलेबस मैंने कवर किया था, मैंने बोर्ड मीटिंग पूरा कवर किया था 100% आपकी एलडीआर से, डायरेक्टर मैंने कंप्लीट किया था ढंग से, मैनेजरियल रेमुनरेशन मैंने आपकी बुक से रेफर किया था एलडीआर से, उसके बाद फॉरेन कंपनी मैंने ढंग से पूरा चैप्टर ही कंप्लीट किया था, और एक मैंने पीएमए लेकर आया था, इसके अलावा सारा जो सिलेबस पेंडिंग था वो मेरा सारा रह ही गया था, क्योंकि ऑडिट ने इतना परेशान किया, मैं लॉ का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाया, बट समहाउ पेपर हमारा लॉ का बहुत ईजी लगा, और आपके एलडीआर ने स्पेशली वो बोर्ड मीटिंग के जो सेक्शंस थे या जो डायरेक्टर के जो सेक्शंस थे जो मैंने पढ़े थे सारे पेपर में लगे, मुझे आज भी याद है एक आई गेस स्मॉल शेयरहोल्डर का 150 क्वेश्चन लगा था, जी जी जी, एक क्वेश्चन लगा था वो मेरा बिल्कुल सेक्शन के साथ करेक्ट था, और एक मैनेजरियल रेमुनरेशन में एक क्वेश्चन कोई लगा था जिसमें आई गेस कुछ अलाउंसेस वाली एडजस्टमेंट हुआ करती थी, चिल्ड्रन अलाउंसेस का क्वेश्चन था आखिरी में था, चिल्ड्रन अलाउंसेस आखिरी में था, तो चीजें मेरी बहुत सही हुई थी। और पेपर के बाद निकल के सर मैंने आपको मैसेज भी डाला था, और चाचा जी को मैंने अपने कॉल किया कि मेरे 46 मार्क्स लॉ में बन रहे हैं, और सर जब रिजल्ट आया मेरे 46 मार्क्स ही लॉ के अंदर आए। तो एलडीआर में अनडाउटेडली मेजर रोल प्ले किया, अगर मैं बात कहूँ मेरे 208 टोटल स्कोर था सर, और अगर मैं कहूँ तो एलडीआर का स्पेसिफिक जो मुझे फायदा मिला, एक 15 मार्क्स मुझे ऑपरेटिंग सेगमेंट में मिले और नियर टू 15 to 20 मार्क्स मुझे लॉ में मिले। बट बच्चे क्या करते हैं सर, मैं एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहूंगा, एलडीआर का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट तब होता है जब आपने पूरे सिलेबस को गो थ्रू कर रखा हो। इफ यू थिंक कि एलडीआर इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू टू क्वालिफाई द एग्जाम, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको सबसे पहले पूरे सिलेबस से गो थ्रू करना होगा, उसके बाद ही एलडीआर आपको बेनिफिशियल रहेगा। मैं स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ कि जब आप फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, एटलीस्ट अपना कॉन्सेप्ट प्लस एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक आपको देखना पड़ेगा। एलडीआर हेल्प्स यू लास्ट 1.5 डेज कि कॉन्सेप्ट आपके ओके है, इतने क्वेश्चन देख लो, प्रैक्टिस करने के लिए काफी हो जाएंगे, बिकॉज वो 1.5 दिन में थोड़ा सा मुश्किल होता है सारा क्वेश्चन करना। तो स्टूडेंट्स एक तो दिमाग से ये निकाले कि एलडीआर सिर्फ लेके बैठेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन ये है कि अपना मेन बुक के साथ अगर एलडीआर को लेकर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो 4 चांद लगा सकता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन एग्जाम रिजल्ट्स पे भी। शशांक जी एक चीज और, जैसे आपने बताया अपनी जर्नी साइड 2011 में स्टार्ट की है, 2010 में स्टार्ट की है, 2023 मतलब मुझे लगता है इन 13 साल में बहुत अप्स डाउन्स
आए होंगे, क्योंकि 13 ईयर्स बहुत बड़ा जर्नी होता है। तो सर इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल किसका था अगर मैं पूछूं? बताओ सर, मेरे को ये पर्सनली पता है, मैं व्यूअर्स बता दूं, शशांक जी शाहरुख खान के डायट फैन है, अभी भी इनको अभी इनका मैं लेटेस्ट एक फोटो देखा था वो पोज वाला शाहरुख खान वाला, तो ये बता दूं कि इनका एक पोस्ट भी आया था जब सीए बने थे कि जिस चीज़ को क्या था, शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात आपको मिलवाने में लगा देती है। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि शाहरुख खान के तो डाईहार्ड फैन, उनको एक एक चीज़ इनको इंस्पायर करता है। बट शशांक जी बताइए, आप खुद बताइए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल किसका था? सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में जो रहा मेरे चाचा जी का, ठीक है। मेरे चाचा जी सीए क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनका सीए फाइनल अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हुआ। उस ड्रीम को लीगेसी में मैं कैरी कर रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं सीए ना बनूं, क्योंकि अगर मैं सीए नहीं बनता सर तो अगली जनरेशन, ना जाने कितनी और जनरेशन तक मेरे परिवार में कोई सीए नहीं करता, तो मेरे पास सीए करने के अलावा कोई ऑप्शन कभी था ही नहीं। तो यही एक चीज़ थी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया। फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली मेरी मदर, मुझे आज भी याद है जब भी मेरे एग्ज़ाम होते थे मुझे वो बैग से नहीं उतरने देते थे, खाने से लेके पानी तक, कपड़े तक, एवरीथिंग वो मेरे बैग पे आता था कि तेरा टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, वो एग्ज़ाम दे मन लगा करके, क्वालिफाई कर। इसके अलावा सर ऊपर वाले की वजह से तो हुआ ही है, क्योंकि इस जर्नी ने मेरे को सिखाया, मतलब मैं ऐसा बंदा था जो भगवान में थोड़ा कम बिलीव करता था, इस जर्नी ने वो भी सिखाया कि उनका एग्जिस्टेंस है। मैं अब खाटू श्याम को बहुत मानता हूँ, ठीक है। सो मेरे अभी भी, मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा इसके बाद कि हाउ दैट मतलब खाटू श्याम जाना कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा मेरी लाइफ में। मैं जब इसका का पेपर सर क्वालिफाई किया नवंबर 2019 में, मुझे चाचा जी ने कहा कि आपको एक बार खाटू श्याम जाना चाहिए, आप जो वहाँ मांगेंगे चीज़ें पूरी होंगी। मैं होके आया सर, उसके बाद मैंने पेपर मेरा इसका का वैसे ही हुआ जैसा हमेशा से हो रहा था, कोई चांसेस बहुत मिनिमल थे कि मैं क्वालिफाई करूं, बट समहाउ आई गॉट 40 मार्क्स। मैंने अपनी कॉपी निकलवाई सर, उस टाइम हम लोगों के 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता था और 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता था। सो मेरे 22 नंबर सर एमसीक्यू में थे और 17 मार्क्स मेरे डिस्क्रिप्टिव में थे, दैट विल मतलब टोटल विल बी 39, करेक्ट। बट टीचर ने क्या किया, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसमें 17.5 मेरे को दिया, मतलब 17 के बाद उसने प्लस हाफ एडिशनल लिखा, मतलब जो हम बॉक्सेस में एग्जामिनर को नंबर फिल करने होते हैं उसने उस बॉक्सेस के बाहर जाके हाफ नंबर दिया। इवन ही डिड नॉट हैव आइडिया कि मैं 22 एमसीक्यू में लेके आ रहा हूँ, उसको नहीं पता होगा ये पेपर सेपरेटली चेक होते हैं। टोटल मेरा सर 40 का इस तरीके से बना। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अभी मैं ऑडिट में बहुत परेशान था, इवन मैंने आपको जब फोन किया था तो आई टोल्ड यू कि मेरे 18 मार्क्स बन रहे हैं एमसीक्यू में और 19 या 20 के आसपास मेरा डिस्क्रिप्टिव में बन रहा है, तो मेरा टोटल 38 बन रहा है सर। मेरा जो 21 मार्क्स एमसीक्यू में आए हैं इस बार और सिर्फ 13 मार्क्स मेरे डिस्क्रिप्टिव में आए हैं, द टोटल इज 34, बट ऑन द मार्कशीट इट वॉज 43। तो वही मेरा ऐसा मानना है, कई बार आपकी मेहनत से ज्यादा ना आपकी इंटेंशन देखी जाती है। मेहनत तो है ही, बट जो इंटेंशन अगर आपकी प्योर है ना तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं मदद करता है। शायद मेरी मेहनत 34 की थी बट मेरी इंटेंशन इतनी प्योर थी कि ऊपर वाले ने शायद उसे 43 कर दिया। नहीं, बहुत 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 बधाई आप। मुझे अभी भी याद है शशांक जी फर्स्ट टाइम हमारे ऑफिस आए थे, आई थिंक वो मई 2022 था, मॉर्निंग का टाइम था। आप बता भी रहे थे कि फरीदाबाद से आप शायद ट्रेन लेके आए थे एंड हम मिले भी थे, हमारी अच्छी बात भी हुई थी। एंड जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मुझे भी काम, मैं अगर मेंटरशिप में उम्मीद करता हूँ शशांक जी कब जल्दी से सीए बने और हम जल्दी से मिलके कुछ पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करें। मिलेंगे सर, अभी मिलने का टाइम है, अभी आप जॉब में है, थोड़ा बिजी है, तो रूटीन निकाल के हम जरूर, मैं भी एक प्लान कर रहा हूँ, कुछ हाल फिलहाल में कि जितने मेंटरशिप स्टूडेंट्स उनको बुला के एक 1-to-1 मीटअप किया जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि काफी मतलब मुझे तो काफी उम्मीद था कि सर कभी ना कभी क्या आने वाले 1-2 अटेम्प्ट में सर आंख तो लगाने वाले हैं, लेकिन नवंबर 22 में शायद आपने शायद स्किप किया था या आप शायद एग्जाम नहीं दिए थे। मैंने सर सिर्फ एक ही अटेम्प्ट स्किप किया है मई 2022। अच्छा, उसके अलावा मैंने अपने सारे अटेम्प्ट किए हैं और एक मई 2020 के एग्जाम कैंसिल हुए थे, सिर्फ यही दो मेरे मतलब मैं नहीं अपीयर किया, और वो भी मई 22 का भी रीजन ये था सर, मैं जॉब में था एक लिस्टेड कंपनी में, तो
somehow I was not able to appear in the exam. But November 22 फिर दिया, सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं था क्योंकि मैं न्यू कोर्स में आ गया था और मैं ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट रहा हूँ. सो फिर मई 23 में जाके वो सिलेबस कंप्लीट हो पाया. सर आपकी एक फ्रेंड थी शायद करण पीत, आपके ही शायद लिंक में थी वो, उनका भी अभी मैं नेक्स्ट इंटरव्यू अभी अपलोड करने वाला हूँ. उनकी भी जर्नी काफ़ी शशांक जी से बहुत रिलेटेबल थी. जैसे मैंने उनसे बात किया, वो काफ़ी टेस्ट में इंगेज थी. आई थिंक उनका भी सीए आफ्टर 11 ईयर क्लियर हुआ था. तो वो कहते नहीं सर एक बार बताओ सर रिजल्ट वाले दिन क्या आपको एक्सपीरियंस था, मतलब वो पास देखने के बाद जो कहते नहीं आंखें तरस जाती है इतने टाइम के बाद, वो कैसा लगा कि हाँ एक पास वर्ड आया, उसके बाद जस्ट मुझे बताओ नेक्स्ट 5 मिनट्स कैसे थे आपके. सर मैं अपने एक दोस्त हैं पद्मनाश निवास, ही इज अ प्रैक्टिसिंग सीए इन गोरख. मैं उनसे बात कर रहा था एक दिन पहले और मैं फोन पर बहुत रो रहा था. तो दोस्त ने कहा कि सुशांत लाइफ में ना क्या है, कुछ चीजें अपने हाथ नहीं होती, तो जो अपने हाथ होती है फोकस हमेशा उन पर रहना चाहिए. तेरा कल एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तू निश्चिंत रहे. मैं पूरी रात सर सो नहीं सका, ठीक है. मुझे ये था कि सुबह 7 या 7:30 तक रिजल्ट आ जाएगा, बट रिजल्ट थोड़ा सा लेट हो गया. 10:30 पे मुझे अभी भी याद है, 10:34 पे रिजल्ट आया था. और करीबन इसी के आसपास हंसराज चुग जी का ट्वीट आया था कि रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट विद इन फ्यू सेकंड्स. सो मैंने जब मैं अपना कैप्चा कोड और रोल नंबर टाइप कर रहा था, सो मेरे हाथ मतलब लिटरली मैं प्रेस करने में मुझे इतना डर लग रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि बस अब रिजल्ट दिखे ही ना, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि रिजल्ट की बात ही खत्म हो जाए. और जब मैंने सर सबमिट दबाया और नीचे वो पास देखा, तो अगले 5 मिनट में सर मैं रोता रहा. चाचा जी सामने खड़े थे, मैंने उनको हग किया और इतनी लंबी जर्नी जाके खत्म हुई. घर में मेरे पैटर्नल फैमिली में कोई चार्टर्ड नहीं है, सो मैं पहला सीए बना अपनी फैमिली से. तो सीए बनना और सर इतने लंबे सफर को खत्म करना, एक आयाम पे लेके आना, वो हालांकि बड़ा मुश्किल था, तो बट हो गया. मैं गॉड से बोलता हूँ, जितने शशांक जी ने बोला ना अभी तक गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो फील जो होता है ना, मुझे भी याद, अपना रिजल्ट भी याद आ जाता है कि जब वो पास दिखते हैं और मतलब मुझे लगता है सब रिकैप हो जाता है हमारा कि लास्ट जो भी 4 साल 8 साल 10 साल यार कब चालू किया. और कहीं ना कहीं ये डाउन्स, बहुत सारे डाउन्स मिलेंगे ही मिलेंगे इन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, कि आज टूट गए, आज मन नहीं है पढ़ने का, फिर वही लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग चलने का सब सफर, वहाँ पे वो पास देखते एंड होता है. तो काफ़ी सुन के अच्छा लगा कि हाँ तेरी आप रिजल्ट भी अपने फैमिली के साथ देखा अपने, एंड जिनको आप अपना रोल मॉडल जिनको इंस्पिरेशन मानते थे उनके साथ ही बैठ के देखा. शशांक जी एक लास्ट चीज़ बताइए, जैसे मई 24 में काफ़ी स्टूडेंट्स अभी अपेयर कर रहे हैं एंड वही अगेन नया सिलेबस ICI का, तो एक वे ऑफ मोटिवेशन बताइए कि क्या उनके लिए मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ यार मई 24 तो क्लियर करके आना चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स डाउन रहते हैं, स्पेशली जॉब वाले हमारे मेंटरशिप में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं. तो थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा बताइए शशांक जी कि हाँ मई 24 एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन दे दीजिए अपने साइड से. सर मैं स्टूडेंट्स को जो भी अपियर कर रहे हैं मई 2024 में, मैं उनको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा. एक तो लाइफ में ना जो भी आप चाह रहे हो उसको सेग्रीगेट करके चलो डे वाइज, कि मुझे कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है. डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स को अचीव करो. जिस दिन आपके डेली बेसिस पे टारगेट्स अचीव होंगे, आपको श्योरिटी मिलती जाएगी कि यस आई विल बी एबल टू क्वालिफाई माई एग्जाम्स. सो एक तो क्या है, खुद पे विश्वास रख के चलना है कि ठीक है मैं इसको कर लूंगा. और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है. मेरे से हमेशा सर एक गलती होती थी, मैं हमेशा रिजल्ट पे फोकस करता था इंस्टेड ऑफ माई प्रिपरेशन. मैंने प्रिपरेशन से ज्यादा रिजल्ट पे फोकस करता था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया तो. अरे आज मैं देखिए एग्जाम्स होंगे मई में, आज मैं दिसंबर में खड़ा हूँ, आज मेरे हाथ में प्रिपरेशन करना है. रिजल्ट मेरे हाथ में आज है ही नहीं, रिजल्ट हाथ में आएगा जुलाई में जाके. तो अभी जो चीजें फोकस वाली हैं आपको एक तो उस पर फोकस करना चाहिए, और जो भी आपके डेली के टारगेट्स हैं आप उन पे काम करते जाए. फॉर श्योर चीजें आप ही के फेवर में होंगी. और सीए को एक ना जो स्पेशली सर मेरे साथ होता था, मैं सीए को ना सब कुछ मान चुका था. मुझे लगता था कि सीए के बिना दुनिया नहीं है, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी इंसान का लाइफ को जीना है, सीए उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है. अब जब मैं सीए क्वालिफाई करके आ गया हूँ, मैं देख रहा हूँ सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सीए क्वालिफाई नहीं हुआ और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और देयर आर सम पीपल जिनका सीए क्वालिफाई हो गया स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग.
either in jobs or in relationships or somewhere else. Mm-hmm. So point is कि हर चीजों को एक तो इतना टफ ना बना लो जरूरत से ज्यादा, उसको ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं कोर्स और ज्यादा टफ बना लेते हैं सोच सोच के, नहीं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. अरे डेली टारगेट्स आप अपने बनाओ, उनको अचीव करो, सिंपल. सो यही मैं कहना चाहूंगा, जो भी मई 24 में एग्जाम दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन पे काम कीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन आपकी ठीक रहेगी फॉर श्योर यू विल क्वालिफाई. बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी, काफ़ी सही लगा एंड मुझे पक्का है कि ये कहीं ना कहीं मई 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू एडिशन देगा. सुशांत जी ये बताओ बाइक पे राइड कब दे रहे हो आप? सर हम जल्दी मिलेंगे और मैं आपको सीपी घुमाने लेके जाने वाला हूँ. बिल्कुल, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप लक्ष्मी नगर कभी आइए, फिर मिलके बात करते हैं और आगे का, मतलब अभी सब सही चल रहा है, जॉब एंड ऑल सब परफेक्ट चल रहा है अभी. चलो और अभी जॉब के साथ तो चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं. मुझे मैं कहता हूँ ना ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसमें मैं प्लेस्ड हुआ हूँ. लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि ना कलीग्स बहुत इतने ठीक मिल नहीं पाते, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह रहती है क्योंकि जितने पीछे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है यहाँ कुछ ऐसा है नहीं. लोग बहुत अच्छे हैं, चीजें बहुत बढ़िया हैं. सो अभी सब सही चल रहा है. अच्छा सुशांत जी एक लास्ट क्वेश्चन, दो मिनट बस आप टाइम देना मुझे, बस इतना बता दो सुशांत जी कि इस जर्नी में, क्योंकि बहुत बड़ी जर्नी थी, मतलब उसको आपने एंड किया, बीच में क्या नेगेटिव पीपल से दूर रहना पड़ेगा? बहुत सारे नेगेटिव पर्सन्स मिलेंगे कि हाँ यार, ऐसा मिला आपके साथ कोई कि हाँ यार चलो फिनिश करो, इस चीज को खत्म करो एंड आगे बढ़ो, इसके अलावा ही बहुत कुछ रखा हुआ है, या तेरे से नहीं हो पाएगा, इस टाइप के बहुत वर्ड सुनने को मिले कि आपको बीच में, मतलब इस जर्नी के दौरान? सर हमेशा ही सुनने को मिला था कि क्वालिफाई नहीं हो पाएगा मुझे आज भी, मतलब एक्चुअली आई वाज इन रिलेशनशिप, तो कुछ लोग बीच में लाइफ में आए और चीजें छूट गई और जब वो चीजें दूर हो रही थी तो शी टोल्ड मी कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी यू विल नेवर बिकम सीए. सो वो एक चीज है ना, अंदर बैठ गई थी कि शायद अब वो लक लेगी, लक लाइफ में नहीं है तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा. बट मुझे लगता है कि मेहनत इतनी प्योरिटी प्योर इंटेंशन के साथ करो कि रिजल्ट अपने आप आपके फेवर में है, तो वो चीजें मैटर करती हैं. बाकी लाइफ में जो लोग आएंगे सर, लोग जाएंगे, कहते हैं ना पीपल मे कम पीपल मे गो बट लाइफ गोज ऑन फॉरएवर. सो ये सब चलता रहता है सर, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. चलो बहुत 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 बधाई आपको पहले सीए क्लियर करने की एंड आगे बस ऐसे ही आप बढ़ते रहो, अभी तो स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं. ठीक है सर, तो फिर हम जल्दी डिस्कस करते हैं मिलने का, फिर वन टू वन मिलते हैं, फिर और भी बातें करेंगे फिर आगे का. ठीक है, थैंक यू सुशांत जी फॉर पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू. ठीक है, थैंक यू सर.